अरब सागर में भारत ने किया बड़ा ऑपरेशन, कई पाकिस्तानियों को भारत ने किया कैद। 31 साल बाद भारत ने पकड़े पाकिस्तान के कई कैदी। एलएसी सीमा पर भारत ने कर दी घोषणा, भारत के नए एयरबेस से कांप उठा चीन। पेंगोंग के नजदीक भारत ने कर दिया बड़ा कांड, रूस का TU-160 बॉम्बर होगा लद्दाख में तैनात। चीन पाकिस्तान को भारत ने एक साथ धोया। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन हर एक दिन ऐसा कोई बहाना ढूंढते हैं और ऐसा काम करते हैं जिस कारण भारत में अशांति पैदा की जाए। लेकिन दोस्तों, भारत चीन और पाकिस्तान की रग रग से अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत जानता है कि पाकिस्तान और चीन कब किस तरह भारत पर हमला करने की सोचते हैं, किस तरह से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर काफी चौकन्ना रहता है। चाहे बात अरब सागर की हो या फिर हिंद महासागर की, चाहे बात एलएसी की हो या फिर एलओसी सीमा की, चारों ओर भारत ने अपनी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं। दोस्तों, इसी पुख्ता इंतजाम के कारण हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, जो भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए काम किया जा रहा था, जो तस्करी हो रही थी, उसको रोका है और भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के समुद्र मार्ग से तस्करी करके घुसाए जा रहे मादक पदार्थों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अरब सागर में जाखो और ओखा समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आने वाली नाव में मार्फत मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है, लेकिन सतर्क भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन तस्करी के प्रयासों को लगातार नाकाम कर रही है। इसी क्रम में कोस्ट गार्ड और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान से आई अल सोहाली बोट से करीब 40 किलो ड्रग्स और हथियार जब्त किए गए। इसके अलावा इस बोट से 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मुद्दे पर गुजरात पुलिस अध्यक्ष आशीष भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 1992 के बाद पहली बार हथियार पकड़े गए हैं। इसी नाव से ड्रग्स को लाया जा रहा था और ओखा के बीच उतारा जाना था। आशीष भाटिया ने संवाददाताओं को बताया कि नाव और हथियारों की सूचना मिलते ही तटरक्षक बल ने पूरे अभियान की तैयारी कर ली थी। ये ऑपरेशन 6 दिनों तक चला। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से नाव रवाना हुई और हाजी बलोच नाम के एक शख्स ने ड्रग्स और हथियार भेजे। ड्रग्स को नाव में एक सिलेंडर के नीचे छिपा कर रखा गया था, जिसकी बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपए है। इस नाव से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में कुल 63 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 38 पाकिस्तान के नागरिक हैं और 6 अफगानिस्तान के नागरिक हैं। गुजरात के समुद्र में अब तक 4374 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। फिलहाल जब्त नाव को ओखा बंदरगाह लाया जा रहा है। आरोपियों के पास एक पिस्टल और 120 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कहां कहां पहुंचाई जा रही थी, सहित अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं। भारत ने रोका एक बड़ा आत्मघाती हमला। दोस्तों, गुजरात में जो भारतीय तटरक्षक बल और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो मिलकर ऑपरेशन चलाया और जितने हथियार और पाकिस्तानी लोगों को पकड़ा है, वो भी 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ, वो इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान से भेजे गए ये आतंकी और हथियार भारत में किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे। वो तो भारत के तटरक्षक बल और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की इन पर नजर थी, तभी इनको भारत की जल सीमा में घुसते ही धर लिया गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तान के बाप चीन को भी ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लद्दाख में बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको देख चीन के हाथ पांव फूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 50 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित लद्दाख के न्योमा में देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसके लिए बोलियां आमंत्रित कर दी है। इस एयरफील्ड को चीन द्वारा सीमा पार के अपने हिस्से में तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भारत के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, 2 साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 214 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये नया एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 1235 एकड़ में फैला होगा, जहां सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बनेगा। इसे लेकर सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने इस काम को पूरा करने के लिए ठेकेदारी से बोली आमंत्रित की है। दोस्तों, न्यूज 18 मीडिया को मिले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस रनवे का अलाइनमेंट ऐसा होगा कि विमान दोनों दिशाओं में लैंड कर सकेंगे। इसके लिए इस रनवे की चौड़ाई 45 मीटर से अधिक होगी। नए रनवे का स्थान लेह लोमा रोड के पास होगा। ऐसे में यहां एयरफील्ड एक ऐसी रणनीतिक संपत्ति होगी
जिससे पूरी तरह तैयार हो जाने पर इस संवेदनशील क्षेत्र में सैनिकों और रसद दोनों को त्वरित आवाजाही संभव हो सकेगी। भारत के लिए होगा काफी महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, भारत जिस तरह से ये नई एयरफील्ड इन लद्दाख के नजदीक बना रहा है, ये सैन्य तौर पर भारत के काफी काम आ सकता है, क्योंकि जिस तरह एलएसी सीमा के नजदीक पिछले 5 वर्षों में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने अपनी तरफ से लगभग 20 से ज्यादा जो नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का निर्माण किया है, उसको देख भारत के लिए ये कदम एलएसी सीमा पर बढ़त बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से भारत के पास सुखोई फाइटर जेट से लेकर राफेल 5th जनरेशन फाइटर जेट तेजस MiG-29 है, और जिस तरह भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टरों की एक पूरी ब्रांच है, जिसमें लैंडिंग ग्राउंड में अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर और C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये युद्ध के समय एक के बाद एक हमले करके लैंडिंग में और हथियारों को एलएसी सीमा पर लगातार सप्लाई में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसे कि C-295, जिसके निर्माण के लिए भारत सारी अकेडमिक मंजूरी दे चुका है, और लगभग 60 से अधिक C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत बनाने वाला है, जिसमें से 15 भारत में बनेंगे और बाकी एयरबस कंपनी के साथ मिलकर विदेश में बनाए जाएंगे। वहीं रूस से आएगा TU-160 बॉम्बर। दोस्तों, जिस विमान का भारत को इंतजार है वो है चीन की मौत का काल TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जो कि चीन के सच्चे दोस्त रूस से ही आने वाला है और चीन पर ही बरसने वाला है। वर्तमान में भारत के पास किसी भी तरह का कोई भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया की बेहतरीन वायुसेना में एक विशेषता ये जरूर होती है कि उनके पास बेहतरीन और घातक तरह के बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो केवल कुछ मिनट उड़कर दुश्मन देश को राख में तब्दील कर सकते हैं। और दोस्तों, भारत रूस के TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते जो रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, इसलिए अब भारत और रूस मिलकर ये देख रहे हैं कि ये डिफेंस डील डॉलर में ना की जाए और रुपए रूबल में की जाए। लेकिन दोस्तों, अगर भारत के पास ये TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट आ जाता है तो भारत LAC सीमा पर युद्ध का पासा पलटने की क्षमता को बढ़ा सकता है। और दोस्तों, इसलिए भारत ने इस नए एयरफील्ड के निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी है, क्योंकि अब यहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर बॉम्बर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट को भारी मात्रा में तैनात किया जा सकता है, जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये नई एयरफील्ड न्योमा दक्षिण लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेह से करीब 180 किलोमीटर दूर न्योमा में स्थित ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भारत की सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण गैप को भरने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।